अरे अरे इतने में थक गए? चटी बैग उठा के ला रहा हूँ। लगता है रमेश भैया हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो मर गया। अरे पांडू ये क्या बीवी के साथ गुजर गुजर कर रहा है? घर में वक्त नहीं मिलता क्या? सामान रख दिया ठीक से? वही तो कर रहा हूँ। Hey, you don't shout on me. I'm I. आया? I can walk with you. Okay. चलो ठीक से टिक्की बंद कर दो। कोई चीज ना रह जाए। समझ गया? नमस्ते दीदी। चल रमेश जल्दी कर, देर हो रही है। ठीक से जाना, मामा। ठीक से, तुम लोगों की बहुत याद आएगी, मेरी याद साथ में ले जाना। हाँ बाय 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 बाय। अरे मैं क्या शैतान हूँ, ये मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? अगर आप शैतान होते तो नहीं चिल्लाती, लेकिन नंगे से तो नारायण भी घबरता है। नंगा? तुमने तो कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन आपने कहाँ पहने? गम क्या ले लो। गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? हटो सामने से, हमें देर हो रही है। हम तो सिर्फ देर कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी, जो हमारी जमीन हथिया कर बैठ गई। तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। झूठ बोल रही हो तुम। वो जमीन हमारे पुरखों की है, और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न की तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। कमीने, मुझको धमकाता है, तुझसे जो बन पड़ता है करे। तू जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। चलो ड्राइवर। गाड़ी छूटने का वक्त हो गया और अभी तक राजू नहीं आया। माँ, कहाँ रह गया था बेटा? माँ वो चंदू हलवाई से रमेश के लिए बादाम का हलवा बनवा रहा था ना, इसी में देर हो गई। अच्छा। अरे चल रमेश, गाड़ी में बैठ। गाड़ी चल पड़ी। अरे रुक रुक रुक, माँ के बहुत अच्छो जीते रहो। चल 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 चल, ये तो गाड़ी बहुत अच्छा। अच्छा बेटा। अरे 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 रमेश, ये हलवा तो मैं तुझे देने ही भूल गया। इसे रोज दूध के साथ खाना, इससे दिमाग बहुत तेज होता है। और देख, ये तेरा आखिरी साल है, खूब मन लगा के पढ़ना। माँ का सपना है कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर बने, और ये सपना तुझे पूरा करना है, समझ गए ना रमेश? अपना ख्याल है भैया, तुम जाओ, पहुंचते ही खबर देना। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, चुपचाप इस पर दस्तखत कर दो वरना मुझे धमकी देता है, है। मेरी माँ को गाली थी, मेरी माँ को। मेरी बात सुधारी थी, खून पी जाऊंगा। मेरी बात सुधारी जाता है, मेरी बात को गाली जाता है। मैं गाली छोड़ूंगा, गाली छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। अरे ये कोई इंसाफ है?
तिवारी अपना हक मांग रहा था तो उसकी जान लेने पर तुल गया। अजी उसे क्या मालूम सही क्या और गलत क्या है, वो तो बस अपनी माँ के प्यार में अंधा है। जाने क्या मंत्र मार रखा है इस कमबख्त ने, बेटा सौतेला है मगर सगे बेटे से ज्यादा प्यार करता है, एकदम पागल बना रखा है। राजू तो खैर सौतेला है, इसने तो अपने पति तक को पागल बनाकर कमरे में बंद कर दिया है।